जस्ट थ्री टाइप्स ऑफ मास्क एंड सो मच कंफ्यूजन. कोई कहता है ये वाला अच्छा नहीं है, तो कोई कहता है कि हमें वो वाला पहनना चाहिए. द फैक्ट इज डिफरेंट मास्क आर मेंट फॉर डिफरेंट पर्पस. कोई भी मास्क अच्छा या बुरा नहीं है. हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा मास्क किस चीज के लिए बना है. वी शुड नो विच मास्क इज यूज फॉर वॉट पर्पस. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू एजुकेट यू एवरीथिंग अबाउट मास्क. उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा पहनना है. सो द फर्स्ट वन इज द FFP विच हैज टू टाइप्स. FFP मास्क दो प्रकार के होते हैं. वन इज N95 विदाउट वॉल्व एंड द अदर वन इज N95 विथ वॉल्व. जो पहला FFP टाइप होता है वो N95 विथ वॉल्व होता है और दूसरा वाला N95 विदाउट वॉल्व होता है. जो विथ वॉल्व है वो जो पहनने वाला है उसके लिए अच्छा है, लेकिन सामने वाले के लिए अच्छा नहीं है. मीन्स सामने वाले को वो नहीं बचाता. सो द वन विथ वॉल्व शुड बी वर्न बाय पीपल हु आर नॉट इन्फेक्टेड बाय कोविड एंड द वन विदाउट वॉल्व कैन बी वर्न बाय द इन्फेक्टेड पर्सन. मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जो लोग हैवी ट्रैवलिंग करते हैं या हैवी क्राउड में जाते हैं या फिर 5 घंटे से ऊपर की ड्यूटी करते हैं या डेली ट्रैवल करते हैं. बेस्ट ये होगा कि आप विदाउट वॉल्व वाला पहने. इफ़ यू आर हेल्दी एंड यू गो इन लेस कॉन्टैक्ट विद पीपल यू कैन वेयर N95 विद वॉल्व. हाउएवर इफ यू आर गोइंग टू अ क्राउडेड प्लेस और इफ यू आर अनफिट और यू आर जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम कोविड देन इट्स बेटर यू वेयर इट विदाउट वॉल्व. Because the one without valve protects both the wearer as well as the person next. Now coming to second type, जो दूसरा वाला है, that is surgical mask or the non-woven one. This one prevents the larger particles from entering your mouth or nose. और ये वाला मैं उन लोग को recommend करूँगा जो occasionally बाहर जाते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाते. You can wear this if you occasionally go out or you usually go out sometimes in less crowded area. And the third type is DIY mask, जो कि कई लोग fancy mask के नाम से भी जानते हैं, जो कपड़े का होता है designer या फिर कुछ और. ये तब ठीक है अगर आप घर से बहुत कम निकलते हो और वो भी social distancing maintain करते हुए, private car में या फिर कुछ और. तो इस type के situation में आप ये वाला mask use कर सकते हो. So if you occasionally or very rarely go out of your house, you travel in your private vehicle, you meet very less people keeping the social distancing, then wearing this type of DIY or designer mask is okay. Now few tips for wearing masks and few of the related misconceptions. हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे कि ठीक तरह से मास्क का यूज़ कैसे करें, प्लस आजकल कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है तो हम वो भी दूर करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो पहला कन्फ्यूजन ये है कि डज मास्क cause any type of fungus or lung infection. It is absolutely wrong. Mask doesn't do that. It can only do agar aapka mask infected hai. If your mask gets infected, because a lot of people have habit of adjusting their mask, touching them. So if your mask is contaminated and you haven't changed it, tab ek choti si possibility hai ye hone ka. Bahut rarely aisa ho jata hai ki aap apna hi mask infect kar lete ho. Tab 2% chance hai कि मास्क के जरिए इन्फेक्शन हो, नहीं तो मास्क की वजह से कोई इन्फेक्शन नहीं होता. कमिंग टू सेकेंड वन, डज मास्क कॉज कार्बन पॉइजनिंग. क्या मास्क से कार्बन पॉइजनिंग होता है? अगर आप नॉर्मल वॉक करते हो, ब्रिस्क वॉक करते हो या फिर रूटीन एक्टिविटी करते हो, तो मास्क पहनने से कोई भी कार्बन पॉइजनिंग नहीं होता. कार्बन पॉइजनिंग ओनली हैपन्स इफ यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम लो रेड ब्लड सेल. ऐसे केसेस में आपको केयरफुल रहना चाहिए जिनको रेड ब्लड सेल काउंट कम है, और इफ़ यू हैव एनी हार्ट डिजीज और इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग और स्पीड रनिंग, स्प्रिंटिंग. इन दीज टाइप्स ऑफ केसेस, ऐसे केस में यू हैव टू टेक आउट योर मास्क. ऐसे केस में खाली आपको मास्क नहीं पहनना है, बाकी टाइम आप मास्क पहन सकते हो. आप लाइट वॉकिंग में भी पहन सकते हो, आपको कोई भी कार्बन पॉइजनिंग नहीं होगी. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर इज मास्क इन इट्स सेल्फ इज ओनली 20% प्रोटेक्शन. मास्क अपने आप में खाली 20% प्रोटेक्शन है. बाकी का जो 80% है उसमें से 40% प्रोटेक्शन आपका हाथ धोने से होता है. तो जो लोग
बाहर काम करते हैं वो हर घंटे अपना हाथ डिसइंफेक्ट करें, और जो घर के अंदर है वो हर 2 से 3 घंटे में अपना हाथ धोएं या फिर डिसइंफेक्टेंट यूज करें। सो 40% इज इन डिसइंफेक्टिंग योर हैंड्स, और जो दूसरा 40% है, द अदर 40% इज इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी, बूस्टिंग योर इम्यून सिस्टम। So if you cover your immunity or if you wash your hands regularly or disinfected, 80% is already solved. This reminds me, I have attached 4 different links of very unique videos. Description mein 4 bahut hi khas videos hain jo aapko dekhna chahiye. Ek health se related hai, ek superfood, how to fight virus with superfoods. And yes, one more thing. Those who wear mask continuously for more than 3 hours, जिनको कंटिन्यूस 3 आवर्स से ज़्यादा पहनना पड़ता है, 5 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, ऐसे लोग मास्क में एक स्ट्रैप लगा लें, क्योंकि अगर आपका मास्क कान के पीछे बंधा हुआ है तो यहाँ पे दोनों जगह प्रेशर पॉइंट होता है, उसके वजह से कुछ ग्लैंड्स अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मास्क में वेलक्रो स्ट्रिप लगा लें, ताकि वो टाई होके सिर के पीछे लगे जाके, ना कि कान पे। सो मेक श्योर इफ यू आर वियरिंग मास्क फॉर लॉन्ग आवर्स, यू टाई अ वेलक्रो स्ट्रिप एंड मेक श्योर द अटैचमेंट इज बिहाइंड द हेड, नॉट ऑन द साइड ऑफ योर ईयर्स, बिकॉज इट हैज प्रेशर पॉइंट्स। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। प्लीज वॉच दोस लिंक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देर इज यूनिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिटनेस वगैरह वगैरह। ये सारे लिंक्स आपके बहुत बहुत काम आएंगे, इन्हें जरूर देखिएगा। I hope mask से related आपको अब concept clear है, so you see which mask is suitable for you and wear them accordingly. Mask पहनना भी ज़रूरी है, क्योंकि 20% भी matter करता है। I hope you find all the information useful. Stay fit, stay healthy. Thank you.